पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से यूएन में एक बार फिर से कश्मीर राग लापने पर भारत ने जमकर लताड़ लगाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को बताया कि उसके कर्मों का क्या रहा है करतूत पूरा हिसाब, और पाकिस्तान को आतंकिस्तान वाली नीति पर जयशंकर ने एक्सपोज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। उन्होंने प्रहार किया कि आतंक का परिणाम विनाशकारी होता है और आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होती। पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पॉलिसी विल नेवर सक्सेस एंड इट कैन हैव नो एक्सपेक्टेशन ऑफ इम्प्यूनिटी। ऑन द कंट्री एक्शंस विल सर्टेनली हैव कॉन्सिक्वेंसेस। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और आतंकवाद के मुद्दे पर जमकर सुनाई। इल्स इट्स सॉफ्ट टू विजिट ऑन अदर्स कंज्यूम इट्स ओन सोसाइटी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पीओके को लेकर भी पाकिस्तान को साफ साफ शब्दों में चेताया। To be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर प्रहार किया कि वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। It can't blame the world. This is only karma. हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दे दिया कि सियासी उबाल आ गया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मुस्लिम धर्मगुरु योगी के बयान पर आग बबूला हो गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा की चुनावी रैली में दावा किया है कि अगर हिंदू बटे ना होते तो ना तो राम मंदिर टूटता और ना ही श्री कृष्ण जन्मभूमि पर गुलामी का ढांचा तैयार होता। बटे नहीं होते ना, राम मंदिर टूटता ना जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा गुलामी का ढांचा तैयार होता। यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए। सीएम योगी के इस बयान पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई। संविधान की इज्जत है ना देश की इज्जत है, सत्ता के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। ना ही संत की तरह उनकी भाषा दिखती है और ना ही मुख्यमंत्री होने के अपने संवैधानिक दायित्वों का वो निर्वहन करते हुए दिखते हैं। हालांकि साधु संतों ने सीएम योगी का बयान सही बताया है, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं को उनका बयान रास नहीं आया। आदित्यनाथ जी महाराज ने सही कहा है कि हम बटे इसी का परिणाम स्वरूप है कि हम गुलामी के जंजीर में इतने वर्षों तक थे। तरह की भाषा संवैधानिक पद पर बैठकर अच्छी नहीं लगती। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र को 11,200 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा देंगे। शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा। इसके साथ ही साथ इन तोहफों में पुणे की मेट्रो रेल भी शामिल है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, लिहाजा उससे पहले राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से कई तोहफे मिल रहे हैं। पीएम मोदी आज राज्य को 11,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देंगे, जिसके तहत वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। संभाजीनगर में औद्योगिक कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, पीएम सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, भीडेवाड़ा में सावित्री बाई फुले स्मारक का शिलान्यास करेंगे। पुणे के लिए आज का दिन खास होगा, क्योंकि पीएम मोदी आज पुणे मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। पहले फेज के तहत 5.46 किलोमीटर के कॉरिडोर की शुरुआत होगी। जिला अदालत से स्वरगेट तक अंडरग्राउंड सेक्शन की शुरुआत होगी। पहले फेज पर कुल लागत खर्च 1,810 करोड़ रुपए आया है। पीएम आज पहले फेज के एक्सटेंशन का शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी आज मन की बात भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का ये 114वां एपिसोड होगा। 3 अक्टूबर 2014 से पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।